हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे कसाटा आइसक्रीम। बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होती है आइसक्रीम। इस आइसक्रीम को बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ट्रॉपोलाइट व्हिपिंग क्रीम। इसे यूज़ करने के 5 घंटे पहले मैंने इसे फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दिया था ताकि इसमें कोई आइस क्रिस्टल्स ना रहे, पर इसमें कुछ आइस क्रिस्टल्स थे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि कम से कम 9 से 10 घंटे पहले ही आप इसे फ्रीजर से निकाल कर फ्रिज में रख दीजिए ताकि लिक्विड फॉर्म में आ जाए और इसे व्हिप करना थोड़ा ईजी हो जाए। मैंने यहाँ पर 1/2 कप क्रीम लिया है। ट्रॉपोलाइट व्हिपिंग क्रीम नॉन डेरी क्रीम है तो इसमें शुगर ऑलरेडी रहता है, तो हमें शुगर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम इसे अच्छे से व्हिप कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीम जो अच्छे से व्हिप हो चुका है। मैंने बॉल को उल्टा किया तो भी ये नहीं गिरा, इसका मतलब ये अच्छे से व्हिप हो चुका है। कसाटा आइसक्रीम हम 5 अलग अलग फ्लेवर में बना रहे हैं तो इस व्हिपिंग क्रीम को हम 5 अलग अलग पोर्शन में डिवाइड कर लेंगे। आइसक्रीम को बनाने के लिए मैंने ना यहाँ पर फूड कलर का यूज़ किया है, ना ही कोई एसेंस का यूज़ किया है। इसे हम नेचुरल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कोको पाउडर ले लिया है, पिस्ता को पानी में भिगोकर उसका छिलका हटा दिया है, आम के कुछ पीस ले लिए हैं, केसर का पानी और बीटरूट का पेस्ट ले लिया है। बीटरूट में मैंने थोड़ा सा शक्कर डाला, उसको अच्छे से पीस लिया है और काजू बादाम को भिगो दिया था मैंने 3 घंटे पहले और बादाम का छिलका हटाकर यहाँ पर ले लिया है। अब इन सबको अच्छे से पीस लेंगे। सबसे पहले हम काजू बादाम का पेस्ट डालेंगे व्हिपिंग क्रीम में। तो यहाँ पर हमारी काजू बादाम वाली आइसक्रीम तैयार हो गई है। अब इसके बाद हम डालेंगे आम का पल्प, तो इससे हमारी आम की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। इसके बाद हम डालेंगे पिस्ता का पेस्ट, जिससे कि हमारी पिस्ता आइसक्रीम तैयार हो जाएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ कोको पाउडर, जिससे हमारी चॉकलेट वाली आइसक्रीम तैयार हो जाएगी, और बीटरूट का पेस्ट डाल देंगे। इस तरह से हमारी 5 अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम बनकर यहाँ पर तैयार हो चुकी हैं। यहाँ पर मैंने काजू बादाम वाली आइसक्रीम में 1 टीस्पून केसर का दूध डाल दिया है, जिससे कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आएगा। और जो मैंगो फ्लेवर वाली आइसक्रीम है उसमें भी मैंने 1 टीस्पून केसर का दूध डाला है, जिससे इसका टेस्ट और कलर काफ़ी अच्छा आएगा। बीटरूट वाली आइसक्रीम में मैंने टूटी फ्रूटी डाला है ताकि इसका लुक बिल्कुल मार्केट जैसा आए। एक ब्रेड के कंटेनर में मैंने पॉलीथीन लगा दिया है ताकि आइसक्रीम को निकालना थोड़ा इजी हो जाए। सबसे पहले हम काजू बादाम वाली आइसक्रीम को इसमें डाल देंगे और 30 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में रख देंगे ताकि सेट हो जाए। उसके बाद अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बीटरूट वाली आइसक्रीम, इसे अच्छे से फैला देंगे और 30 मिनट के लिए इसे फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। ऊपर से मैंने इस पर टूटी फ्रूटी डाल दी है। अब इसे हम 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देंगे सेट होने के लिए। थर्ड जो हमारी आइसक्रीम है, थर्ड लेयर के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मैंगो की आइसक्रीम। यहाँ पर मैंगो आइसक्रीम हम डाल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे। इसे भी हमें 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख देना है ताकि अच्छे से सेट हो जाए। ये जब अच्छे से सेट हो तभी हमें फोर्थ लेयर लगानी है आइसक्रीम की। इसे अब हम फ्रीज़र में रख देंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाए। अब हमारा जो फोर्थ लेयर रहेगा वो है चॉकलेट आइसक्रीम का। इसमें मैंने चोको चिप्स डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। इसे अच्छे से फैला देंगे और इसे फ्रीज़र में 30 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। और जो हमारा लास्ट लेयर है वो है पिस्ता फ्लेवर की आइसक्रीम, तो इसमें आप पिस्ता वाली आइसक्रीम डाल देंगे, अच्छे से इसे फैला देंगे और इसे 30 मिनट के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। मैंने यहाँ पर आइसक्रीम के बेस के लिए ब्रेड का यूज़ किया है, तो ब्रेड का जो कॉर्नर होता है उसे कट कर दिया है और सेंटर वाला पार्ट ले लिया है। इसे अच्छे से सेट कर देंगे आइसक्रीम के ऊपर। अब इसे 8 से 9 घंटे के लिए फ्रीज़र में सेट होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बिल्कुल कलरफुल और फ्लेवरफुल हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। बहुत ही टेस्टी होती है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर हमारी आइसक्रीम बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।